मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि गांव में इस तरह के गंवार होते हैं, तो इसके साथ ना सेल्फी खींच लो और अपने शहर वाले दोस्तों को दिखाना, बड़ा इंप्रेशन जमेगा। चल फोटो खिंचा। सही कहा मम्मी आपने, इसने क्या पहना हुआ है, लुंगी धोती जो भी है, ये प्रॉपर गंवार लग रहा है, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ गंवार। सही कह रही है बेटा तू। गंवार कौन है या नहीं है ये आपको पता नहीं है शायद, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो शायद अपमानजनक बात है, तो किसी का आप इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते हैं। कैसे बदतमीज है, हैं? मैं तो तेरे को चांस दे रही थी कि मेरी सुंदर बेटी के साथ फोटो खिंचाएगा और ये जब फोटो लोगों को दिखाएंगे ना तो तू भी ये जो जोकर है ना कहीं फेमस हो जाएगा, इसलिए तो बोल रही हूँ, और तू एटीट्यूड दिखा रहा है, हमसे बदतमीजी कर रहा है। अच्छा छोड़, नहीं खिंचानी तेरे साथ सेल्फी, एक काम कर ये एड्रेस बता। ये एड्रेस अरे मम्मा किस गवार से एड्रेस पूछ रहे हो आप, इस गवार को तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी, एक काम करो हिंदी में पूछो इससे। सही कह रही है बेटा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। अच्छा जो इस गांव का सबसे अमीर आदमी है ना, अब मंडल इंडस्ट्रीज का मालिक, उससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करने आई हूँ, उसी का एड्रेस बता दे, बहुत अमीर है मैंने सुना है। वरना हम तो इस सड़े से गांव में आते भी नहीं जहाँ पर इतनी बदबू आ रही है ना मामा। हाँ सच्ची में हम तो इस सड़े से गाँव में कभी भी नहीं आते। बस तेरी यहाँ शादी हो जाए ना तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, धीरे धीरे तू उस पे जादू कर देना, फिर क्या हम तीनों मालकिन बन जाएंगे उसकी इंडस्ट्रीज की। हाँ मम्मा मैं ऐसा जादू चलाऊंगी ना, पूरी इंडस्ट्री की मालकिन मैं ही बन जाऊंगी, आप देखते जाना बस। और आपको तो पता ही मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझे देखते रिश्ते के लिए हाँ कर देगा वो। और मम्मा सिर्फ आपके बोलने के बाद मैं ये सूट पहनकर आई हूँ, उसके प्रॉपर्टी के लिए भी एकदम संस्कारी बनके, वरना मेरा असली रूप तो सिर्फ आपको ही पता है। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे आप जैसे लोगों से बहस नहीं करनी है, आप जा सकते हैं, जाइए सीधा रास्ता है। हाँ ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, तुझ जैसे लोगों को तो मुंह भी नहीं लगते हम। चल बेटा आजा। गवार कहीं का हमको एटीट्यूड दिखा रहा है, गवार कहीं का। और बताइए बहन जी, घर तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? नहीं नहीं बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बस ये गांव थोड़ा पसंद नहीं आया, क्या ना धूल मिट्टी, अरे बड़ी एलर्जी हो जाती है। हम लोग ना शहर में रहते हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बाकी सब ठीक है। और वैसे भी हमने आपके बेटे के बारे में ना बहुत तारीफें सुनी है कि आनंद इंडस्ट्रीज का ओनर है, तो हमने सोचा उसके लिए तो मेरी बेटी ही सही रहेगी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, घर के सारे काम कर लेती है। अब जी मम्मी जी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, और शादी के बाद आपका और डैडी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, इनफैक्ट शादी के बाद आपकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है और आपकी इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, बस आप शादी की डेट निकाल दीजिए। अरे बेटा शादी की डेट की क्या बात है, तू है ही इतनी अच्छी, ये तो बोलेंगे आज ही शादी कर लेते हैं, लेकिन हम तो कुंडली में बिलीव करते हैं ना, तो आप कुंडली मंगा लीजिए, कुंडली मिला लेते हैं। ठीक है, मैं अभी बेटी की कुंडली मंगवा लेती हूँ। मैम सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं, बस सर के साइन चाहिए थे। अच्छा मेरा बेटा आता ही होगा, वो साइन कर देगा अभी। अरे प्रेमा राम तुम यहाँ यहाँ जॉब करते हो क्या? हाँ मैं आनंद सर के पास जॉब करता हूँ। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम जानती हो इसे? हाँ मामा मेरा स्कूल फ्रेंड है ये। ओ स्कूल फ्रेंड, तो अब तुम्हारा स्कूल फ्रेंड भी तुम्हारे अंडर काम करेगा, तुम आनंद इंडस्ट्रीज की मालकिन जो बनने वाली हो। हाँ मामा ये तो है। ये लुंगी वाला गवार यहाँ क्यों आया है? लगता है आनंद जी का ड्राइवर आई है ना? मैडम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? यही तो आनंद सर हैं, आनंद मंडल, इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक और हमारे बॉस। क्या ये आनंद इंडस्ट्रीज के मालिक आनंद मंडल हैं? सर वो सुबह जो हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसका इस शादी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना सर? इफेक्ट तो पड़ चुका है मैम। अरे बेटा क्या हुआ है? मम्मी कुछ नहीं, इन लोगों को घमंड ज्यादा है अपने आप पे, ये लोगों को जज बहुत जल्दी करते हैं, मुझे ऐसे देख के इनको लगा कि मैं शायद कोई गरीब किसान हूँ और इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरा मजाक उड़ाया, ये हुआ था ना? अरे सर आप समझ नहीं रहे, वो तो मेरी दोनों बेटियाँ कुछ मजाक करने के मूड में थी तो मजाक कर लिया, वैसे मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। अच्छा मजाक, तो आपके शहर में लोगों के साथ ऐसे मजाक करते हैं? बताइए इस तरीके से मजाक करते हैं? अब आप चुप क्यों हैं? आपके पास इसका जवाब नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग लालची हैं, यहाँ पे आप रिश्ता करने नहीं आए थे, यहाँ पे आप डील करने आए थे। किस चीज़ का डील? मम्मी पैसों का डील करने आए थे, इनको ये लगा था कि इकलौता बेटा है, इतनी प्रॉपर्टी है, तुरंत रिश्ते के लिए हाँ भर देंगे, शादी हो जाएगी, हर प्रॉपर्टी पे इनका हक हो जाएगा,
और तुमने क्या कहा था कि शादी करके तुरंत जोरू का गुलाम बना लेंगे, सारी मालकिन बन जाओगे। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही संस्कार दिया है। अगर तुम मेहनत करती, खुद के पैरों पर खड़ी होती, तो तुम्हें यह सब सोचना नहीं पड़ता। किसी पर डिपेंड नहीं होती, खुद पर डिपेंड रहती, खुद के लिए काम करती। लेकिन क्यों आज ये सब तुम क्यों हो? तुम्हारी मम्मी की वजह से। ये सवाल तुम अपनी मम्मी से पूछो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिया है। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही संस्कार दिए होते तो तुम खुद पर निर्भर रहती, ना कि दूसरों पर। ये सारी गलती तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ की भी है। और तुम छोटी हो अभी। अगर तुम चाहती हो तुम अपनी माँ जैसा बनो तो प्लीज़ मत बनना, क्योंकि तुम्हारी माँ मतलब ही है। तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि किसी से कैसे बात की जाती है, और तुम दोनों जो बदतमीज हो अपनी माँ की वजह से। और हाँ मैम, आपने क्या कहा था, गरीब किसान अनपढ़, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी आपने। और उसी गरीब किसान के आप घर पर रिश्ता लेके आए हैं। अभी आप बदल कैसे गए? अभी आप मुझे देख के नहीं बदले हैं, आप पैसों को देख के बदले हैं। आप लोगों को जज करते हैं उनके कपड़ों से। आपने अच्छे कपड़े ज़रूर पहने हैं, लेकिन आप अच्छे हैं ये ज़रूरी नहीं है। आपकी सोच बहुत गिरी हुई है। आपकी जो हरकतें हैं वो तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, आपको अच्छे से पता है। इसलिए कभी भी किसी से भी आप बात करें तो अच्छे से बात कीजिए, ना कि बदतमीजी करके। और किसान छोटा नहीं होता, किसान बहुत मेहनत करता है हमारे लिए, हम सब के लिए। वो चाहे तो कोई दूसरी जॉब भी कर सकता है, लेकिन वो किसान क्यों बनता है? क्योंकि उसको वही आता है और वही करना चाहता है, क्योंकि उसके पूर्वज भी किसान ही थे। लेकिन आप जैसे लोग 2-4 रुपये पैसे कमाते हैं और शहर चले जाते हैं और अपने आप को अमीर समझते हैं, लेकिन आप लोग असल में अमीर नहीं है, आप लोग गरीब है अपनी सोच से। तो उसको सुधारिए। और आपकी बेटी ने एक चीज़ कही थी कि आज जो कपड़े पहन के आई है संस्कारी बन के आई है रिश्ते के लिए। तो आप लोगों को आपके नॉलेज के लिए बता दूं, संस्कार कपड़ों से नहीं आते हैं, संस्कार आपके व्यवहार की वजह से आते हैं। और आपका व्यवहार बहुत ख़राब है, तो संस्कार तो दूर दूर तक आप में है नहीं। और रही बात रिश्ते की, वो तो कैंसिल, सॉरी रिश्ता हुआ ही नहीं था तो कैंसिल तो क्या होगा। बोला दरवाज़ा, अपनी गाड़ी उठाई और निकली। चलिए गेट आउट बेटा, प्लीज़ गेट आउट। इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ, चलो दोबारा दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे, गेट आउट। और हाँ, दोबारा कभी किसी के साथ मिसबिहेव मत करना, निकलो गेट आउट। चलिए निकलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली या शेयर कीजिए, ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।